प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश ने कहीं खुशी तो कहीं गम के हालात बना दिए हैं। जिले के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जल भराव के चलते बस्तियों और निचले हिस्सों में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई है, तो वहीं बारिश की राह देख रहे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। बारिश का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए बीता एक सप्ताह खुशियों भरा रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह में नरसिंहपुर जिले में 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जिले के किसानों के साथ साथ लोगों ने भी गर्मी व उमस से राहत महसूस की है। नरसिंहपुर जिले में अभी तक करीब 664 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल अभी तक 997 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। पिछले दिनों बरगी बांध के गेट खुलने के चलते नर्मदा नदी भी जिले में उफान पर रही, जिसे नर्मदा के किनारे बने गांव अलर्ट पर रहे। जिले के ककरा घाट पर नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बहने के चलते कुछ समय के लिए यहां के ब्रिज पर आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया। पिछले दो दिनों से नरसिंहपुर जिले में बारिश का सिलसिला जरूर कमजोर हुआ है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। कोयला खदानों के आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के लिए शहडोल जिले में भारी संख्या में वृक्षारोपण कराया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर कोल खदानों के आसपास पर्यावरण सुधार के लिए 60,000 से अधिक पौधारोपण किया गया है। दक्षिण पूर्व कोल खनन परियोजना ने बीते कुछ दिन में मुख्य रूप से आम, नींबू, सागौन, सरई, कनेर, जामुन, बेर, आंवला, नीम आदि के पौधे लगाए हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और डस्ट को हवा में जाने से रोकने के लिए इस इलाके में वृक्षारोपण जरूरी था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त करना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इसके लिए एसएससीएल प्रबंधन को लगातार प्रेरित किया। पर्यावरण अधिकारी संजीव मेहरा ने बताया कि सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम अनूपपुर जिले के हसदेव और जमुना कोतमा क्षेत्र में भी चलाया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। खंडवा जिले के मानधाता में विधानसभा उपचुनाव निकट भविष्य में प्रस्तावित है, इसके लिए जिले के अधिकारियों का प्रशिक्षण कल से 31 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शंकरलाल सिगाड़े ने बताया कि यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण 25 अगस्त को संपन्न होगा। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की जांच के संबंध में प्रशिक्षण तथा नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन संबंधी प्रशिक्षण 25 अगस्त को भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 26 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट के संबंध में, मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा के संबंध में तथा डाक मत पत्रों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी 28 अगस्त को आदर्श आचरण संहिता के पालन, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग व मीडिया सर्टिफिकेशन एमसीएमसी संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आगामी 29 अगस्त को आयोजित प्रशिक्षण में मतदान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी 31 अगस्त को निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित समय पर एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान का असर यूं तो संपूर्ण देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापक असर प्रदेश के मालवा निवार क्षेत्र में दिख रहा है।
यही कारण है कि एक ओर जहां इंदौर नगर ने लगातार स्वच्छता में शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, वहीं धार जिला भी स्वच्छता के मामले में अग्रणी होने का प्रयास कर रहा है। पेश है हमारे धार संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम इसके साक्षी हैं, जिसमें धार जिले के नगर और कस्बों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में घोषित परिणामों में 1,10,000 जनसंख्या कैटेगरी में पीथमपुर को नेशनल कैटेगरी में 2300 स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रदेश में पीथमपुर की 7वीं रैंकिंग बनी है। वहीं 50,000 से 1,00,000 जनसंख्या वाले शहरों में धार नगर पालिका नेशनल कैटेगरी में 29वें स्थान पर रही है, जबकि प्रदेश में धार की 6वीं रैंकिंग है। 25,000 से 50,000 जनसंख्या कैटेगरी में राजगढ़ और मनावर का नेशनल कैटेगरी में क्रमशः 33वां व 47वां स्थान रहा है, जबकि प्रदेश रैंकिंग में राजगढ़ 3रे और मनावर 5वें स्थान पर है। वहीं 25,000 कम पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में नेशनल कैटेगरी में बदनावर ने 11वां, सरदारपुर ने 31वां, मांडो ने 35वां, धर्मपुरी ने 44वां, धामनो ने 52वां व कुक्ष ने 37वां स्थान प्राप्त किया है। दही नगर पंचायत को 124वां स्थान मिला है। प्रदेश रैंकिंग कैटेगरी में बदनावर 2रे, सरदारपुर 6ठे, मांडू 7वें, धर्मपुरी 11वें, धामनो 15वें, कुक्षी 16वें और दही 30वें स्थान पर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। उमरिया जिले के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सहयोग से सुरक्षा और गंदगी भारत छोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। दोनों ही अभियान के चलने से नगरीय क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे उमरिया संवाददाता। जिले के नगरीय क्षेत्र उमरिया, पाली, नरोजाबाद व चंदिया में सहयोग से सुरक्षा और गंदगी भारत छोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं मास्क पहनने हेतु नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा प्रेरित करते हुए मास्क पहनने हेतु नागरिकों को उपलब्ध भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के वार्डों में शपथ दिलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे नागरिक प्रेरित होकर घरों से जब निकलें मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाने के साथ हाथों को सैनिटाइजर लगाकर सुरक्षित रखें। इसी तरह गंदगी भारत छोड़ो अभियान अंतर्गत वार्डों के नागरिकों को स्वच्छता पर ध्यान देने हेतु विशेष नुक्कड़ सभाओं और जन जागरूकता रैलियों का भी आयोजन नगरी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप घरों से निकलने वाला कचरा नुक्कड़ की जगह कचरा वाहनों में वार्डवासियों द्वारा डाला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट के बीच गणेशोत्सव का पर्व सादगी से मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही इस उत्सव को मना रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट के बीच गणेश उत्सव का पर्व सादगी से मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही इस उत्सव को मना रहे हैं। लोगों ने गणेश उत्सव के पहले दिन घरों पर ही गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की और पूजा की। इस दौरान शिवपुरी में इस बार सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पंडाल व मूर्तियों की स्थापना नहीं की गई है। जिला प्रशासन की ओर से सभी अनुभागीय स्तर पर SDM ने अपने अपने क्षेत्र में मूर्तिकार व पंडाल संचालकों की बैठक लेकर पहले से ही इस उत्सव को लेकर सूचना दी थी कि इस बार कोरोना के कारण भीड़ एकत्रित नहीं करना है, घरों पर ही रहकर यह पर्व मनाना है। वैसे शिवपुरी में 50 से ज्यादा स्थानों पर गणेश पंडाल लगते थे, लेकिन ऐसा इस बार कोई भी बड़ा पंडाल नहीं लगाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इस बार प्रतिमाओं का सार्वजनिक स्थलों पर विसर्जन भी प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय निकाय द्वारा विसर्जन के लिए हर वार्ड व क्षेत्र में कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। यहाँ से गणेश प्रतिमाओं को एकत्रित किया जाएगा, इसके बाद मूर्तियों को विसर्जन स्थल पर ले जाकर विसर्जित किया जाएगा। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। अशोकनगर जिले में भी कोरोना का असर धार्मिक त्योहारों पर दिख रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि जिले में डोल 11 पर विमान तथा मुहर्रम पर ताजियों की गश्त पर प्रतिबंध लगाया गया है। ताजियों और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए गाइडलाइन अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के 22 वार्डों के लिए 22 स्थान चिन्हित किए गए हैं। उन चिन्हित स्थानों पर 29 अगस्त को डोल 11 के दिन व 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमाओं को एकत्रित किया जाएगा व 29 अगस्त को कत्ल की रात तथा 30 अगस्त को मुहर्रम पर ताजिए एकत्रित किए जाएंगे तथा विसर्जन के लिए नगरपालिका के कर्मचारी पंडित मौलवी की उपस्थिति में विसर्जन स्थल पर ले जाकर विसर्जन करेंगे। इस विसर्जन कार्यक्रम में लोगों को विसर्जन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। श्री वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से मैं नीरज शुक्ला।
छिंदवाड़ा जिले में ऋषि पंचमी पर किस तरह की धूम थी बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तामिया पातालकोट सहित 12 गांव कल गौधुली बेला के बाद लगभग 25,000 दीपों की ज्योति से आलोकित हो उठे। अवसर था ऋषि पंचमी का, जिसे चतुर्मास के दौरान नर्मदा मिशन के संत प्राकृतिक उपासक भैया जी सरकार के नेतृत्व में मिशन के लोगों ने स्थानीय निवासियों की मदद से दीप प्रज्वलित कर माता के शक्ति स्वरूप को जागृत कर महामारी से बचाव, जगत कल्याण व प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जनमानस को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के अनावश्यक दोहन से विपदाएं समय समय पर आती हैं, इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति में हरितिमा की चादर के घनत्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण संवर्धन को प्राथमिकता देना ही मनुष्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए कल शाम को पातालकोट के 12 ग्रामों सहित तामिया, बिजोरी, देलाखारी के सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक और घरों में दीप प्रज्वलित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और राशिद अहमद खान। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार दर्शन।